हरियाणा में अक्टूबर माह में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जनता भी इन राजनीतिक दलों और नेताओं के कार्यक्रमों में उमड़ने वाली भीड़ को देखकर ही अंदाजा लगाने लगी है कि इन चुनावों में हवा का रुख किस ओर करवट ले रहा है। बीते दिन थानेसर में आयोजित कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम में उमड़े अपार जन समूह के रूप में एक बार फिर पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा की लोकप्रियता और उनके लंबे राजनीतिक अनुभव का जीता जागता नजारा दिखाई दिया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ को देखकर दीपेंद्र हुड्डा भी गदगद नजर आए। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के नेतृत्व में थानेसर विधानसभा क्षेत्र में हरियाणा मांगे हिसाब अभियान को लेकर जाट धर्मशाला में उमड़ी भीड़ को पहले संबोधित किया, फिर जाट धर्मशाला से रोटरी चौक वाया महाराणा प्रताप चौक, शास्त्री मार्केट, सीकरी चौक, छोटा बाजार तक पदयात्रा की। इस दौरान सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा हुआ नजर आया। भीड़ द्वारा लगाए गए नारों हरियाणा मांगे हिसाब जवाब दो, हिसाब दो से पूरा इलाका गूंज उठा। हरियाणा मांगे हिसाब अभियान में साथ चल रही जोशीली भीड़ को देखकर उत्साहित सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीते एक महीने से जनता 10 साल की भाजपा सरकार से सवाल पूछ रही है, लेकिन भाजपा हिसाब देने को ही राजी नहीं है। उन्होंने कहा कि झूठ फूट और लूट की राजनीति के दिन लद गए हैं। हरियाणा की जनता भाजपा सरकार से हिसाब लेकर रहेगी। पदयात्रा में उमड़ी हजारों की भीड़ को 1.5 किलोमीटर का सफर तय करने में 2.5 घंटे लग गए। रास्ते में कुछ देर बारिश भी आई, परंतु कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह जरा सा भी कम नहीं हुआ। इस कार्यक्रम की सफलता का श्रेय पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने अपने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देते हुए आज उनका आभार प्रकट किया और कहा कि हरियाणा सरकार में बैठे लोगों ने न सिर्फ हर वर्ग का अपमान किया है, बल्कि प्रदेश को विकास की पटरी से उतारकर बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, भ्रष्टाचार और नशे की भेंट चढ़ा दिया है। बीते 10 वर्षों में इस सरकार ने किसी को नहीं बख्शा। किसान हो या नौजवान, खिलाड़ी हो या स्कूली बच्चे, हर किसी को इस सरकार के खिलाफ सड़कों पर आना पड़ा। भाजपा सरकार ने हरियाणा को कौशल निगम के जरिए बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट वाली कच्ची नौकरी की राजधानी बना दिया। 10 साल में भाजपा सरकार ने प्रदेश में पक्की सरकारी नौकरी खत्म कर दी। आज 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। भारत सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि देश में सबसे ज्यादा नशा, सबसे ज्यादा अपराध दर आज हरियाणा में है। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि भाजपा सरकार ने कांग्रेस की हुड्डा सरकार के समय एससी वर्ग, पिछड़ा वर्ग, गरीब वर्ग के लिए चल रही सारी योजनाएं बंद कर दी। 100 गज के प्लाट, पानी की टंकी, पानी के मुफ्त कनेक्शन समाप्त कर पानी के बिल पकड़ा दिए। स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले वजीफे समाप्त कर दिए गए। एससी बीसी समाज को मिलने वाले आरक्षण के संवैधानिक हक को समाप्त कर दिया। बाबा साहब के संविधान को कमजोर कर दिया। चुनाव के बाद हरियाणा में आने वाली कांग्रेस सरकार बुजुर्गों को 6,000 रुपया महीना बुढ़ापा पेंशन, हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, 25 लाख रुपए तक का इलाज सरकारी खर्च पर देगी, किसानों को एमएसपी व सर्वाधिक भाव की गारंटी, खाली पड़े 2 लाख सरकारी पदों पर योग्य हरियाणवी युवाओं की समयबद्ध भर्ती, गरीब परिवारों को 100 गज के मुफ्त प्लाट व 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरे का मकान, पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख, सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार, मनरेगा मैट को पक्का करने की बात उन्होंने कही। खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ पदक पाओ नीति दोबारा लागू होगी। जातिगत जनगणना कराए जाने, जन विरोधी पोर्टलों से मुक्ति, नशा मुक्त व अपराध मुक्त हरियाणा बनाकर विकास, निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य में हरियाणा को नंबर 1 बनाने की बात कही गयी।